I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. पावर में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन पावर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनेता, एक हस्ती जिन्होंने लोगों के लिए बिजनेस का साम्राज्य बनाया हुआ है, और वो पिछले 3 इलेक्शन जीतकर अपने एमएलए का फर्ज निभा रहे हैं। उनका नाम है एसएस ग्रुप्स के मालिक डॉक्टर सदाशिव जी। बड़ी ही मशक्कत करने के बाद उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हामी भरी है। नमस्ते सदाशिव जी। नमस्ते। सुना है आप राजनीति में आने से पहले अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे थे, तो वो प्रोफेशन छोड़कर आप राजनीति में क्यों आए? कारण ये है, कर्ता कर्म क्रिया ये हमारा फर्ज है, ऐसा हमारे मामा जी कहते थे। मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलकर मानव सेवा करना चाहता था। डॉक्टरी करते हुए मैंने कई मरीजों का इलाज किया, उसी तरह सैकड़ों लोगों की सेवा करना चाहता था, तो बेटर ऑप्शन था पॉलिटिक्स में आ जाओ। आशुतोष राम प्रसाद जी के मार्गदर्शन पर आप राजनीति के मैदान में उतरे और अपना काम शुरू किया, क्या आप संतुष्ट हैं? आपको मेरा चेहरा देखकर क्या लग रहा है, क्या मैं दुखी दिख रहा हूँ? मैं कितना खुश हूँ ये तो मेरी जनता से ही पूछ लीजिए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आपके गोडाउन में नाजायज तरीके से काम हो रहा है, क्या ये सच है? ऑफिस के प्यून से लेकर देश के प्रेसिडेंट तक पर आरोप लगाना ये तो लोगों के लिए आम बात हो चुकी है, इसमें अहम रोल निभाती है मीडिया। तो फिर उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है? शेर ना होते हुए भी कहते शेर आया, सिली न्यूज को हॉट न्यूज बनाते हैं आप जैसे लोग। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? रेटिंग। हमारी रेटिंग बढ़ेगी, आपकी रेटिंग का क्या? कुछ महीनों पहले आपकी पार्टी आपको मिनिस्टर बनाने का विचार विमर्श कर रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो काम उन्हें प्यारा है, मुझे मेरी जनता की सेवा प्यारी है। प्रजा के हित के बारे में जो नहीं सोचता है उसे पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। hey, क्या कर रहा है तू? गाड़ी चला। चला, चला और चला। hey, तू क्यों रुका है? चला। खींचता रहे। भाई, इसे पता था कि उस गोदाम में सब अपना सामान है, ये जानकर भी इसने गद्दारी की है। इसने गद्दारी नहीं की, इसने तो अपनी ड्यूटी की है। ये सीधा खड़ा रहे। सच बात तो ये है कि ये गलती उन लोगों ने इससे करवाई है। जिस कुत्ते को बांध कर रखना चाहिए उसी कुत्ते को आजाद करके रोड पे छोड़ देते हैं। वो बेचारा भोगता रहता है और उसकी हालत इसके जैसे हो जाती है। अब हम जिंदा रहे इसलिए इसे कुत्ते की तरह मार कर इसे मौत के घाट उतार कर हमेशा के लिए आजाद करना होगा। आजाओ आजाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? ईमानदारी के चक्कर में बेचारा फंस गया, अब भगवान के चरण में ही इसे जगह मिलेगी। ओ वेरी लकी फेलो। अरे ये तुम क्या लिख रहे हो? मैंने तुम्हें कौन सा नंबर दिया था और तुम क्या लिख रहे हो? अरे मैंने क्या गलत किया? 9, 4, 1, 3, 2, 2, 3, यही तो नंबर था। 2 बार 3 नहीं यार, 2 के बाद 3। अब पता नहीं ये किस बेवकूफ का नंबर है। काजल हंसी का ये हीरो बनने के चक्कर में हमेशा जीरो बन जाता है। हेलो, कौन है जी? मैं हूँ अनुष्का जी। अनुष्का कौन जी? वही जो सबके दिल की रानी है। तुम आज फ्री हो क्या? कोई काम है तो बोलिए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे वाह, तो फिर मेरे घर आ सकते हो क्या? क्या कहा, तुम्हारे घर में आओ, कोई जरूरी काम है क्या? आ जाओ ना, बहुत जरूरी काम है। बस अभी आ जाओ। वो क्या है ना, मैं घर में अकेली हूँ। अभी आऊँ? दिन के उजाले में किसी ने देख लिया तो बवाल पक्का, शाम को आना बेटर है। शाम तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम क्या देखोगे और क्या करोगे? तुमसे नहीं होगा तो बता दो, मैं किसी और का इंतजाम कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, किसी और का इंतजाम मत करो, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ अनुष्का। तो ये पक्का रहा कि तुम आओगे और मेरा काम कर दोगे? अगर तुम मुझे खुश कर पाए तो मैं भी तुम्हें खुश करूंगी। देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हें सच में खुश कर दूंगा। एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। अरे वाह, जो सुनना चाहती थी वही कहा। अच्छा, जल्दी आकर क्लीन कर दो ना, मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या क्लीन करूंगा मैं? हमारा सेफ्टी टैंक, इसलिए तुम्हें फोन करके बुला रही हूँ। सेफ्टी टैंक? मुझे सेफ्टी टैंक साफ करने वाला समझ रही हो? अरे ओ रॉन्ग नंबर अनुष्का, उसी सेफ्टी टैंक में कूद जा, तैर या फिर डूब के मर जा, लेकिन दोबारा मुझे फोन मत करना। दख इसकी तो। ए दीवाना, एक कटिंग देना। ए चल निकल। अब आप लगता है उधार बहुत ज्यादा हो गया। ओ कहाँ यूज किया है, उधर भी देखना यार। लेकिन तेरे पे सूट कर रहा है यार। इसीलिए उस रॉन्ग नंबर अनुष्का ने मुझे फोन किया था। कहाँ फंस गया मैं? उस बच्ची के बाप से तू रेस हार जाएगा क्या? लेट्स गो।
आ रहेगी आ रहेगी। बाय बाय गुड़िया, यू आर द विनर, वी आर लूजर। भाई साहब सुनो, हाँ ये बलून कैसा दिया? भवानी है एक नंबर का गुंडा। तो अच्छे से जानता है कि मैं एक बार कदम आगे बढ़ाता हूँ तो फिर कभी पीछे नहीं हटता। वैसे तो क्या करने जा रहा है? और क्या करूंगा, विनम्रता से समझाऊंगा। अब आ गए? आपके इंतजार में मेरा एक एक पल कैसे बीता है ये आप नहीं जान पाओगे रमेश बाबू। तुम्हें अच्छा लगा? क्या अच्छा है इसमें? तुम्हारी बातें सुनकर हीरो नहीं बेकार कॉमेडियन ही पटेगा। ऐसा क्यों? पूरी फीलिंग डाल दी थी। आजकल के लड़के बोल बच्चन से नहीं पटते, बस दिखाने से पटते हैं। क्या दिखाने से? लड़कों को खुले बाल पसंद आते हैं, इसलिए बालों को मत बांधो। जब किसी लड़के की नजर यहाँ पर पड़ेगी तभी तो फिसलेगा। तुम्हारे होठों को ऐसा रसीला बनाओ जैसे कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो। तुम अगर किसी आशिक की ख्वाहिश रखती हो तो अपनी इन आँखों से तीर चलाना, पर होठों से एक लफ्ज ना निकले वरना हो जाएगा पंगा। ए इस तरफ घूम। लड़कों की नजर एक बार कमर पर जरूर पड़ती है, इसलिए इसे मटकाते रहो। अब लग रही है तू कश्मीर की कली। इतनी खूबसूरत लड़की पर बताइए भला कौन नहीं फिदा होगा। इस नगीने को तो मैंने तराश दिया, अब कोई अंधा भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है तुम जाओ, वो मुझे मिस कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं साथ नहीं चलने वाली। प्लीज एक बार साथ चलना, प्लीज प्लीज। तुम आगे जाओ, ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ए, तू खामोश खड़ा रहेगा तो मुझे क्या खाक समझ में आएगा? अगर कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कैसा एड़ा है? आप एड़े हो, आपसे ज्यादा वो होशियार है। तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ये क्या है, तू इतना बंठन के किससे मिलने जा रही है? पति से मिलने। अरे तेरी तो अब तक एंगेजमेंट नहीं हुई और पतिदेव बन गया। जानू तुम भी तो मुझे एंगेजमेंट से पहले मिला करती थी। तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है। तू बत्तीसी मत दिखा। बेटी जरा बताओ एंगेजमेंट का एडवांस दे दूं कैसे? हाफ एन आवर के बाद बताएंगे। हाफ एन आवर पे कन्फर्म होगा, मैं इंतजार करता हूँ। ये साउंड कैसा है माँ? कोई कुत्ता छींक रहा होगा। सवेरे तो मैं उसे रोटी दे चुकी हूँ। रुको मैं भी आई। अरे माँ तू यहाँ कब आई? कब आई ये जानने की जरूरत नहीं तो? है क्यों आई हूँ ये जानना ज्यादा जरूरी मुझे कुछ है। कुछ नहीं जानना। ए, तू जाती है कि नहीं? चली जाऊंगी, पहले ये बताओ हमारी मैरिज कब? मैरिज तेरे से? सपने मत देख चल। ओ तुम हो? अहो मुझे लगा वो कुत्ता छींक रहा है। ए जी मुझ में क्या कमी है? क्या है कि तेरे में कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है। एक्चुअली मैं तेरे लायक नहीं हूँ। किसी और से तो प्यार नहीं करते ना तुम? मुझे सच्चाई बतानी होगी। अब कौन है? मैं हूँ यार तेरा दोस्त। अरे यार कोई भी बात दिल में छुपा कर रखने से आगे प्रॉब्लम होती है। स्वीट इसका पहला प्यार है। मन में स्वीट सा जलेबी बना। स्वीट इसकी जान है। एक नहीं दो दो बना। अच्छा तो ये बात है। क्या बकवास कर रहा है? एक तरफ मुझे सजाती है और मेरे ही बॉयफ्रेंड पे डोरी डालती है। आशा मुझे तुम्हें निराश करने का कोई इरादा नहीं था। तेरा ये नाटक किसी और को दिखाना। रुक जाओ अभी जाकर पापा को बताती हूँ।
अबे भाई भाई वो मेरी जान है, ऐसा मैंने तेरे से कब कब बोला? भाई तू ही तो कहता है तू स्वीट के पीछे पागल है। उस स्वीटी की बात नहीं कर रहा था यार, मैं तो एक्चुअल मिठाई की बात कर रहा था। सोचता हूँ तो भी डर लगता है यार। अरे यार उसे सब कुछ पता चल गया यार। क्या पता चल गया? सब कुछ पता चल गया। अरे लगता है आज मैं क्या, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। एक्चुअली बात यह है कि तुमने दिल की बात कह ही दी। क्या रे तू हीरो है जो सबको मारता फिरता है? मैंने तो किसी को नहीं मारा, या आपको किसने बताया? क्यों जिसने बताया उसे भी मारेगा क्या? जरा अपनी हरकतें तो देख, मुझे तो शक हो रहा है तू मेरा बेटा है भी कि नहीं। इसका मतलब आपने अपने सगे बेटे को नहीं पहचाना मिस्टर बाबूराव? अब हमें याद ही रहना, हम चले जाएंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आप मेरे माँ बाप है ना। अब आप तो शायद मेरी जबरदस्ती शादी करवा दें। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे भाई सुन। अरे सॉरी सॉरी बेटा। मिस्टर बाबूराव आपका लाड़ला घर छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। नहीं बेटा रुक जा, मेरी बात सुन बेटा। रुक जा बेटा, तू चलकर कैसे जाएगा? अगर मुझसे इतना प्यार करती हो तो कम से कम मुझे गाड़ी की चाबी तो दे दो। अभी लाती हूँ। ये क्या बेटा, बैग वैग लेकर कहीं घूमने जा रहे हो क्या? यहाँ जिस मकसद से आए हो वो बात करो। बेटा इसे छोड़कर उसे पसंद किया कोई खास वजह? क्योंकि मैं उससे ज्यादा क्यूट हूँ इसलिए। वो सब ठीक है, तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुझे थप्पड़ लगाने। ये मेरी होने वाली फैमिली है, इसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तेरी फैमिली है, ये कब हुआ बेटी? अभी अभी आंटी, थोड़ी देर पहले ही फिक्स हुआ है। देखा आपने, आपके प्यार का नतीजा हो गई नौटंकी। डैडी क्या है बेटी? लाओ ये एक पेटी। ये रख लो तुम्हारे खर्चे के लिए। ए, चलाट। इसे मैं रख लेता हूँ, लक्ष्मी की बेइज्जती नहीं करते। ये लो गाड़ी की चाबी। ओके थैंक्स बाय। संभल कर जाना। हाँ संभल के जाऊंगा। अरे ये तो गाड़ी लेके चला गया। अरे मैं अपने ऑफिस कैसे जाऊंगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लाइट 2057 लैंड हो चुकी है। यात्रियों से निवेदन है अपना पासपोर्ट चेक करवा के एग्जिट की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गो टू वाइजैक। श्योर मैम। हेलो डैड। अनु मैं तुम्हें अभी फोन करने वाला था बेटा, कहाँ हो? वहाँ फ्लाइट लैंड हो गया क्या? यस डैड, बट नॉट इन वाइजैक, लैंडेड इन हैदराबाद। हैदराबाद में? वाइजैक रनवे पर पानी भरा हुआ है, सो हैदराबाद में लैंड किया। ओके, तुम वहीं रुको, मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। नो नीड टू वरी डैड, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ कैब। मैं इस वक्त ऑन द वे हूँ, वाइजैक पहुँच कर कॉल करती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, कैब के डिटेल्स बताओ। एक्सक्यूज मी, यस मैडम, कैब का नंबर क्या है? AP09 1 रुपए का कॉइन दे रहा है। हाँ। ये तो किसी को नहीं देगा। नहीं। ओके, इतना अपसेट क्यों है? पेमेंट का वादा करके हमारे गैंग से काम लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते। लास्ट मंथ की सैलरी है क्या? नहीं, लास्ट 3 मंथ की सैलरी है। 3 मंथ्स? ओके, मैं अंदर जाता हूँ और दिलवाने की कोशिश करता हूँ। क्या रे, बॉडीगार्ड्स को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? मिस्ड कॉल मारने के लिए भी पैसे नहीं है। हेलो, मैं यहाँ हूँ तो तुम वहाँ क्यों हो? अरे तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो? हाँ, ख्यालों में खोया रहा हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? शाबाश, अच्छा जोक मारा यार। इधर आना, नजदीक आ, तुझसे कान में कुछ कहना है। कान के नीचे खजाना है। क्या रे तू यहाँ क्या कर रहा है? सेटलमेंट। मैंने तुझे एयरपोर्ट जाने के लिए कहा था, तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ मैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, रनवे पर पूरा पानी भर गया है। ये बात तू मुझे अभी बता रहा है? इडियट। बेटी हैदराबाद पहुँच चुकी है, बाय रोड आ रही है,
ये लो टैक्सी के डिटेल्स, लो जाओ और उसे यहाँ ले आओ। तूने उसे क्यों मारा? तुमने मुझे मारा? मैंने पूछा क्या? इसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। अब तुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं, यहाँ काम करने वाले स्टाफ को। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली उन्हें। अरे जाना। फिर हंसा। जा रे। अरे जा तो रहा हूँ। अभी निकल। अरे दामाद जी, बिटिया आ गई क्या? हाँ, ऑन द वे बाबूजी, इवनिंग तक वो घर पहुँच जाएगी। ठीक है ठीक है। पूर्णा। अन्नपूर्णा। क्या बात है? मैं यहीं पर हूँ ना। अरे क्या बात है, आजकल तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? हूँ या हाँ तो कर सकती हो ना। मेरा सुहाग सलामत रहे, 4 बार आपको जवाब दिया लेकिन आपको सुनाई कहाँ देता है। अच्छा ठीक है, बच्ची विदेश से आ चुकी है और शाम तक वो घर भी पहुँच जाएगी। अच्छा बताओ, उसके रहने का सारा बंदोबस्त तो तुमने कर दिया ना? हाँ जरूर किया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अपने ननिहाल आ रही है ना, भगवान उसकी रक्षा करेगा। What happened? यहाँ पास में एक मंदिर है मैडम, मैं जरा हाथ जोड़ कर आता हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। wait. मैं भी आ रही हूँ। ये मंदिर बहुत मशहूर है मैडम, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कोई मन्नत हो तो मांग लीजिए, जरूर पूरी होगी। 1 सेकंड मैडम, कार में कोकोनट और माला फूल भूल कर आ गया, जाकर ले आओ। बाय बाय, टाटा। हैप्पी जर्नी। स्टॉप, यू स्टॉप माय लगेज। ये तो कॉन्वेंट स्कूल है। कौन है? माय नेम इज दम आलू, माय फादर इज फ्राई आलू, आई एम स्टडिंग इन 4 क्लास B सेक्शन। ठीक है टीचर। व्हाट? व्हाट छोड़ो, व्हाट लगा दी है? एक तो गाड़ी से मारना चाहती थी, ऊपर से इंग्लिश में डरा रही हो। माय एंटायर लगेज इज इन दैट कार, आई हैव टू कैच द थीफ। क्या तुम उस गाड़ी को पकड़ोगी जो 100 की स्पीड में जा रही है, वो भी भाग करके अपने लगेज के लिए? ऐसी कहानी मैं रोज सुनता हूँ, पहले मेरे नुकसान की भरपाई करो। चलो, मेरा भाई तुम्हारा गाड़ी के पास इंतजार कर रहा है, चलो। मुझे इंग्लिश सुनाती है, मुझे उल्लू बनाती है। अरे चल चल चल। अरे चल। अरे चलो, तुझे क्या हुआ यार? अरे भाई कहाँ? भाई उसने मुझे मारा। अबे किसने? वो चुड़ैल ने, चुड़ैल ने। तू भी ना यार, चल। क्या मारा? सीधा जमीन पे। ये कैब का नंबर नहीं है, ये नंबर ट्रक का है। ट्रक का? ट्रक मतलब? ट्रक मतलब आपको नहीं पता? ट्रक ऐसा वाहन है जो सामान लोड करता है। गोरे गोरे मुँह खड़े पे काला काला चश्मा, ड्रिंक चिक्का चिक्का ड्रिंक चिक्का। डैड, वेरी सैड। फोन उठा क्यों नहीं रही है? अबे यार क्या हुआ? देख, खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही है। अरे भाई, अरे रुक जा। नहीं भाई, ये वही लड़की है, बहुत मार दी है भाई, बहुत मार दी है। ए भाई रुक जा, नहीं निकाल ले, गाड़ी निकाल ले, मैं पीछे जाता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ। अरे बाप रे। Please drop me at the nearby highway. Sure. Get in. Thank you, Lera. Thank you. Hey, utra kyun? Hey, kya hua yaar? Mujhse badhkar woh ladki hogi na, main nahi jaunga. Kya bakwas kar raha hai? Chal na. Main nahi jaunga. Kyun? Teri meri dosti aaj se khatam. Lekin kyun? Main nahi aaunga, nahi aaunga, nahi aaunga, tu ja. Nahi jaunga. Please, mere hal pe chhod de. Nahi jaunga.
देख भाई तुझे मेरी कसम है प्लीज। नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मुझे तेरे साथ नहीं आना। लेकिन काहे को? जिसने तेरी कार डैमेज की मुझे थप्पड़ भी मारा तू उसे ही अपने साथ ले जा रहा है इसीलिए। इसने तुझे थप्पड़ मारा भाई? अरे नहीं बेटा नहीं बेटा जाने दे शांत हो जा शांत हो जा। I'm extremely sorry। उस वक्त मैं बहुत टेंशन में थी। I didn't mean to hurt you। मेरा दिल नहीं पिघलेगा भाई। मैं मजबूर हूँ सॉरी। At least मुझे अपना फोन दोगे? फोन ये लो कर लो एक मिनट के 10 रुपए कर लो कर लो। क्या बात है बेटा तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? Actually dad हुआ यूं कि मैं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा फोन के मालिक से बात करवाओ। माय डैड। तुम्हारे डैडी हैं? हाँ जी बोलो। भाई साहब मैं इस इलाके का एमएलए सदाशिव बात कर रहा हूँ। गोल पार्क के एमएलए सदाशिव जी बोल रहे हैं। सर जी नमस्ते। तुम्हारी अर्जेंटली हेल्प चाहिए मुझे। हाँ बोलिए सर। मेरी बच्ची को सूर्यापेट तक ड्रॉप कर दो और वहाँ पर मैं आकर उसे पिकअप कर लूंगा। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए ये मेरा फर्ज है सर। आपकी बेटी को सुरक्षित पहुँचाना मेरा काम है सर। फोन रखता हूँ सर। बड़े भाई जरा मेरे साथ इधर आइए साहब जी। बड़े भाई मेरे भाई भला हम इस लड़की को अपने साथ क्यों ले जाएं? ऐसी बात मत कर भाई। भाई प्लीज भाई तू इस बार मना मत कर। मैं जिंदगी भर तेरी बात मानूंगा। ठीक है यार तू बोल रहा है इसलिए मैं राजी हो रहा हूँ वरना मैं इसे कभी नहीं ले जाता। वो कौन है मैं नहीं जाता लेकिन तू तो मेरा यार है ना इसलिए तेरे पे मेहरबानी कर ही सकता हूँ। भाई आई लव यू। हेलो हेलो सेफ्टी टैंक रिपेयर करते हो? अबे डफर मैं तुझे सेफ्टी टैंक वाला लगता हूँ सेफ्टी टैंक वाला लगता हूँ हाँ सेफ्टी टैंक वाला लगता हूँ। तुझे इतना चप्पल मारूंगा ना कि तेरी पूरी बॉडी सेफ्टी टैंक हो जाएगी। हाय आई एम अनु नाइस टू मीट यू। हाय आई एम संदीप। हेलो हाँ बोलिए। क्या फ्री है? बिल्कुल बोलिए। व्हाट अ स्वीट वॉइस। सेफ्टी टैंक साफ करवाना चप 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 चप। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? सेफ्टी टैंक वाला नहीं हूँ मैं। घास ले टैंक। बोलो बोलो आओ तुम्हारे घर में अभी आके आग लगाता हूँ ठीक है ना? पता नहीं कौन। चुप करो रखो फोन। हाँ क्या है? ऐसी क्या नाराजगी? मॉम तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही है? तुम उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? माँ का फोन मैंने नहीं उठाया ये आपको बराबर पता है लेकिन मैंने क्यों नहीं उठाया ये तो आपको नहीं पता है। बाप रे अभी भी इसके नाक पे गुस्सा है। मॉम डैड ने आपको क्या पट्टी पढ़ाई है मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है मैं उन्हें समझाती हूँ। आपका क्या है आप तो कह दोगी बाद में झेलना मुझे पड़ेगा ना। क्या कह रहा है वो? खुद ही सुन लो। नाराज है क्या? सुनो तुम अपने घर वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं चाचा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। ये अभी बहुत गुस्से में है। मेरी तकलीफ तो कोई समझने को तैयार ही नहीं। तू वहाँ लौट कर जा रहा है या यहाँ आ रहा? मैं लौट कर नहीं आने वाला जा रहा हूँ मैं। ए संदीप संदीप मेरी बात तो सुनो। क्या बात है तुम अपनी मॉम डैड से इतना रूठे क्यों हो? वो क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली वो लड़कियाँ दोनों सगी बहन है। बड़ी वाली कभी बड़ी हुई नहीं और छोटी वाली जरूरत से ज्यादा बड़ी है और अपना हीरो गोपियों के बीच कन्हैया है मेरा भाई। हेलो सेफ्टी टैंक साफ करवाना। ओए सेफ्टी टैंक वाला नहीं हूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरा नंबर तुझे दिया तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई 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 इससे तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा मुझे नंबर बदलना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो संदीप तुम अब इनकी कीमत नहीं समझ रहे हो। जब ये तुमसे दूर हो जाएंगे तब तुम इन्हें मिस करोगे। बिना माँ के बच्चों की हालत कितनी बुरी होती है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपनों को इस तरह अवॉइड करके उन्हें दुखी मत करो। हेलो। हाँ। तू कहाँ चला गया है? बेटा तू लौट कर आजा। हाँ मैं लौट आऊंगा। तू भी आ रहा है? हाँ माँ आ जाऊंगा। बाय। थैंक यू संदीप। ए थैंक यू किस लिए? नथिंग। अरे भाई ये लोग कौन है और हमें मारना क्यों चाहते हैं भाई? पता नहीं यार ये हमारे पीछे क्यों पड़ गए? पुराना पंगा तो नहीं है? पुराना पंगा तो बहुत पुराना हो चुका है कोई बात नहीं फिर से खुजली मिटा दे। बोल बेटा। कोई हम पर अटैक कर रहा है डैड। अटैक? लेकिन वो कौन है तुम इस वक्त कहाँ हो? पता नहीं ब्लैक स्कॉर्पियो में है डैड। ब्लैक स्कॉर्पियो? हेलो 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 क्या हुआ भाई साहब क्या हुआ? हेलो हेलो हाँ हेलो क्या हुआ? अरे चल ना। हेलो भाई ये लोग तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे भाई। ये तो वही है
अनु डैडी को फोन करके यहाँ आने को कहो। इनकी तो दिखाता हूँ। भूपति तेरे आदमी ने अटैक किया ना? भाई हमने नहीं किया, ये दूसरे वाले का काम हो सकता है। शिवा भाई, इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ तो मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है, तो आप मेरी फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हो? ए, कुछ भी हो तू है तो पॉलिटिशियन ही ना, पोल खुल गई तो अपने आप को बचाने के लिए मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ नहीं पता भाई। ए, थो, कौन है वो? क्या हुआ भाई, धुआं क्यों निकल रहा है? ओह नो, इंजन में आग तो नहीं लग गई? इंजन यहाँ होता है। लेटेस्ट गाड़ियों की यहाँ होती है? शिट, बैटरी डेड, अब क्या करें? दिवाली 3 महीने पहले आ गई। लगता है आगे कोई गांव है, वहां जाकर देखते हैं। या वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अरे यार, जैसे तू मेरी जान है वैसे गाड़ी भी मेरी जान है। तू गाड़ी संभालना, हम जल्दी आ जाएंगे। ओके ए भाई, तू मुझे अकेला छोड़कर जाएगा तो नहीं? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? मेरी कसम खा। बड़े भाई। हाँ भाई। कार के लिए तू वापस आएगा ना? डाउट है क्या तुझे? तू यही रहे। देख भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आते समय एक वड़ा पाव ले आना। यहाँ कौन है? कब से कंट्रोल करके बैठा था। दम लगा के है सा, जोर लगा के है सा, दम लगा के जोर लगा के दोनों लगा के है सा। ढिंक चिका ढिंक आओ। अरे भाई, संदीप भाई, अरे वाह क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए। भाई तू गाड़ी के पीछे चुप क्यों बैठा है? हैं, मुझे डरा रहा है? बड़े भैया, बड़े भैया, मैंने पकड़ लिया। माफ कर दे भाई, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे टी शर्ट को तू अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है? अरे अबे अबे अबे, तुझे क्या चाहिए यार? वो फल चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? ऑरेंज चाहिए तुझे? ऑरेंज वो भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए यार? इसका इसका क्या मतलब है यार? गिटार बजाना चाहता है तू? तुझे संगीत से बहुत प्यार है क्या? अरे बाप रे, ये बात है, पहले नहीं बता सकता था। संगीत से प्यार करने वाला ऐसा भालू जंगल में मिलेगा मुझे पता नहीं था। तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। इस जंगल का तुझे रॉकस्टार नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल देना। चल, संगीत का पहला पार्ट शुरू होता है सारे गामा पाधा निशा से, इसी से दुनिया का सारा संगीत बना है। तू टेंशन मत ले, तुझे दुनिया का सब Hey, मैं यहाँ पे आ का सुर लगा रहा हूँ तो यहाँ वहाँ घूर रहा है? बेवकूफ कहीं का, ध्यान लगा के मुझे सुन, कॉन्सेंट्रेट। चल अब गा। आ, 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 आ,
भंगार गाड़ी की तरह घर घर कर रहा है। ठीक से सुर निकाल, संगीत में बहुत साधना की जरूरत होती है, तो इसे मजाक समझ रहा है? बेवकूफ कहीं का, चल सुर निकाल। अबे क्या हो गया तुझे? अबे मैं तुझे सुर सिखा रहा हूँ और तू अपने गुरु के ऊपर गुर्रा रहा है हाँ? फिर से ध्यान दे, मैं तुझे सिखाता हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। तुझसे नहीं होगा, फिर टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा? चल दूसरा तरीका अपनाते हैं। चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदनी के चम्मच से चांदनी चाची ने चकोर चाचा को चटनी चटाई। क्या रे, इससे अल्फाज साफ होते हैं। शास्त्रीय संगीत तुझे पल्ले नहीं पड़ता और तू इस जंगल का रॉकस्टार बनना चाहता है, हलवा समझता है क्या? गुरु की बेइज्जती कर रहा है। मेरा श्राप है तुझे कि तू कभी आकार भी नहीं पकड़ पाएगा। चुप, सुबह सुबह उठ करके गार्गल क्या कर, तुझे पता है तेरे मुंह से कितनी बात आ रही है? चल फिर चल, अब तू गा। अबे किसी को मत बोलना कि मुझसे सीखा है, मेरा नाम खराब करेगा हा? मेरा नाम खराब करेगा, कैसे सिखाऊं तुझे? कैसे 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 कैसे? तेरे गले में सुर है कि बांस है? मन तो करता तुझे पानी में फेंक दूं, मगर दया आ जाती है मुझे। एक बात तू समझ ले, दोबारा गाने की बात की ना तो ये पत्थर उठा के तेरे सर पे मार दूंगा मैं। तूने मेरे पूरे सुर की दुर्गति बना दी। माना कि संगीत सीखने में लोगों का पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन तू कम से कम दो सुर तो लगा सकता था। तूने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल तो करता है कि तेरी गर्दन तोड़ दूं मैं। अब बहुत हो गया, अब तुझे मैं नहीं सिखाऊंगा। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरा टीचर नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। पैर छोड़ मेरा, पैर छोड़। अबे मेरी पैंट छोड़, पैंट फट जाएगी। बेसुरा कहीं का। चार्ज कर लूं? 200 रुपए लगेंगे मैडम। चार्जिंग का चार्ज लगता है? हमें करंट फ्री में नहीं मिलता है। क्यों भाई साहब, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी लेके ऐसी बात क्यों करते हो? अरे बाप रे, ये तो मेरा भी बाप निकला। अब चार्ज कर लीजिए। कोई अगर मुसीबत में हो तो उसे मना नहीं करते। हाय डैड। तुम ठीक तो हो बेटा? तुम कहाँ हो? तुम बस वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके डैड, बाय। शैल वी गो? तू मेरी प्यारी बेटी है ना, चल बाहर आ जा, हम मिलकर फटाके फोड़ेंगे। गुड़िया, मैं तेरे पापा को शिकायत करूंगी। हाँ, उस बच्ची का बाप फौज में था, बच्ची को नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोज इसी तरह अपने पापा का इंतजार करती है। अरे बेटी, तेरे पापा यहाँ नहीं है, पापा बाद में आएंगे। कृष्णा जी का घर यही है? मिलिट्री ऑफिसर कृष्णा जी की वाइफ आप ही हैं, और उनकी बेटी श्रावणी जो क्यूट है, भोली है और बहुत प्यारी है, उसके लिए ये सामान भेजा है उसके पापा ने, और कहा कि दिवाली में आऊंगा, अगर उसमें नहीं आ सका तो श्रावणी के बर्थडे पर जरूर आऊंगा। श्रावणी का गुस्सा ठंडा करने के लिए बर्थडे की पूरी तैयारी कर चुके हैं वो। चलो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं वापस ले जाता हूँ। अंकल, वो क्यूट वाली बच्ची मैं ही हूँ। हाँ, ये सब मेरे लिए। अगर और भी चाहिए तो मिलेगा। ओके ओके। Sunny!
पता लगाओ तुम्हारे डैडी कहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी का फोन टैप हो रहा है। What? टैप हो रहा है? I think that must be in danger. तुम्हें मुझ पे भरोसा है? Come on, of course I trust you. तुम्हें तुम्हारे डैडी तक सेफ पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जल्दी फोन करके ये पता लगाओ कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। आपका फोन टैप करके मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें मारने की? Yes, Dad. उसका नाम भवानी है। भवानी? Shit. मेरी बेटी आ रही है, ये बात समझ में नहीं आता, उसे कैसे पता चली? मैंने बताया। तूने? तूने उसे क्यों बताया? सरप्राइज। तुमने कहा था तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है और उसे अन्नपूर्णा के पास जाने से रोकना था, तो दोनों काम हो गया। अनु पर जो अटैक कर रहा है वो मेरी पहली बीबी का लड़का है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल यही भुगतना होता है। मैं बुढ़ा बुढ़ी पर अटैक करवाना चाहता था, तो सीधा बच्ची पर ही अटैक कर रहा है। बड़े भैया, तुम्हारी ही गलती है। खून चाहे अपनों का बहे या फिर गैरों का, बेकार में खून बहाना ही गलत है, गलत है, गलत है। भवानी लाइन पर है, बात करो उससे। बोलो मामा। ए, मामा नहीं बोल रहा हूँ, तेरा बाप बोल रहा हूँ। डैडी डैडी। ए छोटे, तुझे पता है तू किस पर हमला करवा रहा है? तुझे पता है वो तेरी बहन है? ये आप क्या कह रहे हो डैडी, सच में? हाँ। बेचारे मेरे डैडी, मैं अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो मैं आपको भी मार दूंगा। इधर ये बचाने की बात कर रहा है, उधर वो मारने की बात कर रहा है। अन्नु बेचारी तो फरार है और इस चक्कर में ये मुझे पीस रहा है। ए, टाइम आएगा तो मैं भी नहले पे दहला मारूंगा। ए, चल भाग यहाँ से। क्या ये? तूने जाकर अपने मम्मी डैडी से मेरी कंप्लेंट की है? तू चाहे कुछ भी कर ले, तू क्या, अगर तेरे माँ बाप भी मुझसे कहेंगे ना, तुझे नहीं सिखाऊंगा। ए, तुम्हें पता है इसने क्या किया? पहले तो मुझे अपने आगे दौड़ाता 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 रहा और फिर बोलता है कि मुझे संगीत सिखाओ। तुम में से किसी ने इसे तमीज नहीं सिखाई। तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा, इसे तो मैं ही बताता हूँ। मेरे से पंगा लेता है, मेरे से पंगा। अरे बाप रे, पहले तो एक ही था, अब तो पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई है, अब क्या करूँ? हो गया ना कंफ्यूज, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हैं हैं, ये क्या करने जा रहा है? पड़ी है तो वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। हाँ भैया, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जाओ ढूंढो। आपने मुझे पैदा किया ये भी मैं भूल जाऊंगा, किसी और की लड़की को अगर आप सब कुछ दे दोगे तो क्या मैं चुप रहूंगा, जान से मार डालूंगा। कोई दौलत मेरे नाम नहीं हुई है, मुझे उसे छीननी है। और दौलत कितनी है जानता है तू? 2,000 करोड़ से भी ऊपर। अगर हमसे एक भी गलती हुई ना तो बाबा जी का ढुल्लू मिलेगा, उसे जिंदा रखना है ताकि 2,000 करोड़ रुपए मिले। उसके बैंक के डिटेल सिर्फ वो ही जानती है, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगी। ए सुन, स्टाफ को 3 महीने की सैलरी देनी है, तेरे पापा के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा लोन देगा क्या? जब देखो तो पैसा पैसा पेड़ लगा है क्या? चोर का बेटा तो चोर ही होगा ना, विश्वास नहीं कर सकते इन पर। मुझे उस लड़की को बचाना होगा। ए, मैंने तेरा नंबर उसे मैसेज कर दिया, फोन ऑन करते ही वो तुझे कॉल करेगी।
तू जा उसे वाइजैक से उठा और पूरी हिफाजत से उसे यहाँ ले आ। मैं यही तुम्हारा वेट करता हूँ। ठीक है बड़े भैया। चल जा। ए संदीप देखो कितना बड़ा टेंपल है। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हां व्हाट इज दैट प्लेस? इज इट टूम्ब और अ टेंपल? ए इट्स वेरी ओल्ड टेंपल डूड। पूजा किस नाम से करनी है बहन जी? नतनी के नाम से। और उसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा। इधर आ। मैंने पूरा मंदिर छान मारा और आप यहाँ खड़ी है? ये क्या है नानी माँ? चुप कर, भगवान के सामने हाथ जोड़। चले टैक्सी। चलोगे क्या? चलूंगा लेकिन मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लाइसेंस नहीं है, डीजल नहीं है। दोनों है। डिक्की लॉक हो गई है इसीलिए लगेज अंदर रखना पड़ेगा। अरे मेरे पास लगेज है ही नहीं। चलो। लगेज नहीं है, लगेज नहीं है, लगेज है ही नहीं। टीवी सीरियल में काम करते थे क्या तुम्हें अपने पैसों से मतलब है या फिर लगेज से मतलब है? वो क्या है कि लगेज का थोड़ा भाड़ा एक्स्ट्रा मिलता है ना। मेरा लगेज चला गया है, किसी ने चुरा लिया। ये तो वही चोर है। तुम ही हो। गया काम से। बाप रे ये सब क्या है? स्टोर रूम बना के रखा है क्या डिक्की को? मिनी स्टोर है। तुम्हारा लगेज कौन सा है? ए, नहीं। ए, मेरा टैब का है। तुम्हारे टैब के टेंपल रन गेम की तरह वो भी भाग गया। टेंपल रन खेल रहे थे। तुम्हारे डैड का मैसेज आया है। मेरी प्यारी गुड़िया तुमने सही कहा था, मेरा फोन टैप हो रहा है, ये मेरा फ्रेंड पीके का नंबर है, तुरंत फोन करो। इट्स रिंगिंग। हेलो इज इट मिस्टर पीके? यस स्पीकिंग। मैं अन्नपूर्णा बोल रही हूँ। डैड है क्या? डैडी तुम्हें ही लेने आ रहे हैं बेटा। तुम इस वक्त कहाँ हो? वाइजैक पहुँच रही हूँ अंकल। ओह तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए वहीं आ रहा हूँ। डैडी को पहुँचने में थोड़ा लेट होगा। ठीक है अंकल, आप वाइजैक पहुँच कर फोन कीजिएगा। ओके बेटा। सो तब तक तुम मेरे घर चलोगी? यस। हेलो हेलो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ दम आलू। तू कहाँ है यार? अरे भाई तू भूल कैसे गया? गाड़ी के साथ तूने मुझे जंगल में छोड़ा था, अब उस लड़की के साथ तू कहाँ मंगल कर रहा है? मैं मंजिल तक पहुँच गया हूँ, तू भी आ जा। मंजिल तक मैं क्या करूँ? बोला ना आ जा। ओ अच्छा अगर तू पहुँच गया तो मैं भी पहुँच जाऊंगा। ओके भाई बाय बाय, मंजिल पर ही मिलता हूँ। ए रुको, बोल रहे बड़े भैया आप अभी क्या कर रहे हैं? चिकन मच्छी तलकर खा रहा हूँ, तुझे क्या करना है? बात क्या बता, क्या कर रहे हो बड़े भैया? तुम्हारी बेटी इसी शहर में है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, जाकर उसे रिसीव करता हूँ, आप बेफिक्र रहो। क्या खुशखबरी दी है तूने साले, उसे मेरे बताए हुए जगह पे लिया, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया, वो स्टाफ की सैलरी का क्या हुआ? भैया भैया कहकर इतना मस्का मार रहा हूँ, फिर भी उसे देखो यार, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। अनु हम दोनों को साथ में देखेगी तो प्लान चौपट हो जाएगा, जब तक मैं नहीं कहूँ तो सामने मत आना। जा अपना काम संभाल, बाद में फोन करता हूँ। इतना सब कुछ हो गया? अनु तुम टेंशन मत लो, मम्मी पापा थोड़े बेसब्र हैं, सही कह रहा हूँ ना? मतलब तुम एमएलए सदाशिव की बेटी हो? तो ये लोग क्या फिल्म की कहानी बता रहे थे? बहुत हो गया इंटरव्यू, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे पता ही था सुबह का भूला शाम को लौट आएगा, क्या खाना है बोलो, बना देती हूँ। मतलब किचन में कुछ भी खाने को नहीं है क्या? क्या तुम शादी का लड्डू खाओगे? साथ में जरा मंडप भी सजा दो। हैदराबाद से यहाँ आया है, ऑलरेडी एंगेजमेंट भी हो गया होगा, जिसे प्यार मिल जाता है उसे भूख प्यास लगती है क्या? मैं सब कुछ जानती हूँ, एंगेजमेंट भी हुई है और सॉरी भी नहीं कहा है, इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, देखिए ना जी। वो अभी अभी बाहर से आया, जो भी बात करनी बाद में करना। ठीक है अब हमारा यहाँ क्या काम, तू चल रहे? मुझे थोड़ी देर यहीं बैठना है। इतना सब होने के बाद भी यही रहेगी? चल हमारे साथ चुपचाप। मम्मी मम्मी चलो बेटा फ्रेश हो जाओ। नॉट येट, आई विल मीट हिम टुडे। जरा सैंडी को फोन देना। हाय सैंडी How are you? Hey, who are you? Sandeep? Anu! Just leave me! Thank you.
Who are you guys? और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? Why did you kidnap me? Come on, tell me, mommy. देखो, मैंने अनु का किडनैप किया और तुमने मुझे किडनैप किया. Fittus, Fittus, game is over. वैसे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ. रैंसम में क्या चाहिए बोलो. ए, तू किडनैप क्यों करना चाहता था? अरे क्या बताऊँ क्यों किया है. बात यह है, मैं अन्नू का किडनैप करके बड़े भैया को धमका कर अपने स्टाफ की सैलरी उनसे निकलवा रहा था. ओ, तो ये बात है। ये भवानी अनु को मारना क्यों चाहता है? भवानी वो कौन है? हाथ है या हथौड़ा? बेकार में इसे बहस करके फायदा नहीं है, अपने डैडी को फोन करो. अरे फोन किस लिए? बच्चे को ले जाकर इसके डैडी के हवाले कर दो, बाकी वही संभाल लेंगे. ये अब तक नहीं पहुंची है, इसके डैडी कितने परेशान होंगे. मुझे तो लगता है इसके डैडी भी मुसीबत में होंगे. इसे इसके डैडी के हवाले करने से पहले इसके डैडी से हमें सच्चाई पता करनी चाहिए. That's better, संदीप. Let's go to dad. अभी तक डैडी भी डिस्टर्ब होते आए हैं. डैडी से मिलने के लिए मैं और वेट नहीं करना चाहती. बस बहुत हो गया. डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी. अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं. सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है. बस बहुत हो गया. डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी. अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं. सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है. After 16 years, डैडी जिंदा है और यहाँ है, ये जानकर मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ उनसे मिलने आई थी. और आप कह रहे हैं डैडी यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ है? सच्चाई क्या है मुझे बताइए प्लीज. तुम अपने फादर के सेंटिमेंट में डूबी हो. अगर मैंने फ्लैशबैक बता दिया तो वो मुझे डुबा कर मार देगा. डोंट फोर्स मी यार. तुम सच्चाई बताओ या ना बताओ, तुम्हारी मौत तो कन्फर्म है. मैं सच्चाई बताऊँ या ना बताऊँ, उनको सच्चाई का पता नहीं चलेगा. तो तुम्हें क्यों सच बताऊं? सच्चाई तक मैं पहुंच जाऊंगा. सदाशिव का पोल नहीं खोलोगे तो तुम्हारी मौत का फैसला पक्का. हाँ. ए, टाइम आएगा तो मैं भी नहले पे दहला मारूंगा. तुम्हारे पिताजी और नाना नानी के बीच बनती नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका चले गए. एक बार तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो लोग इंडिया गए. भैया क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाभी? मैं ठीक हूँ. ये बैग संभालो. ठीक है भैया. बच्चे कैसे हैं शिवा? वो बिल्कुल ठीक है भाभी. क्यों छोटे, तुम अभी सुधर गए हो या अभी पहले जैसे ही हो? नहीं भैया, मैं बहुत बदल गया हूँ. आपके भेजे हुए पैसों से गाड़ी खरीद कर आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ. जरा सा लोन बाकी है पर वो भी खत्म हो जाएगा. पाप की कमाई में क्या रखा है. सही कहा, ईमानदारी की रोटी में बहुत सुकून है. खुशी हुई कि तुम बदल गए हो. अरे ये क्या, भाभी एड्रेस दे देती तो आपके बाबूजी को खबर पहुंचा देता. Excuse me, आप अपने छोटे भाई की डिटेल्स दे तो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगे. वो मेरे बड़े भैया थे, मैं उनका छोटा भाई. I'm sorry, आप दोनों हमशक्ल हैं इसलिए पहचान नहीं पाया. वैसे सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा की जान लेने की कोशिश की गई थी और ऐसे हालात में तुम्हारी माँ ने जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया. कैसी हो बेटी? बाबूजी, दुखी मत हो बेटी. अर्चना, अर्चना बेटी, तेरा सफर तो ठीक था ना? सफर बिल्कुल ठीक था. ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है माँ? इस उम्र में भला मुझे क्या होगा. मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, पर वो ये जख्म तुम्हें वो क्या है ना माँ? अन्नपूर्णा. हाँ, हमारी बेटी ने हमारी नतनी को तुम्हारा ही नाम दिया है. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटी, तुम्हारे साथ किए जाति का हम प्रायश्चित कर रहे हैं. तुम लोगों से दूर रहकर हम लोग कभी चैन से नहीं रहे. बाबूजी मैं समझ सकती हूँ. परम शिवा, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी. मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता. तुमने आज मुझे कितने अच्छे काम में शामिल किया है. पहले डॉक्टर बनाया, फिर एक्टर बनाया,
लेकिन पेमेंट तुम मुझे एक ड्राइवर का ही दे रही हो। तुमने तो मेरे लिए कुबेर का दरवाजा खोल दिया है, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स। ये लो। अगर ये लाश मिल गई तो मेरा भांडा फूट सकता है। सदाशिव जी के फ्रेंड बोल रहे हैं? Yes, who is this? मैं अर्चना मैडम का ड्राइवर बोल रहा हूँ। अर्चना मैडम और आपके फ्रेंड सदाशिव जी जब एयरपोर्ट से निकलकर घर जा रहे थे तब वो हादसे का शिकार हो गए हैं। What happened? Tell me. उनके कार का एक्सीडेंट हो गया जी। What? दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई जी। Oh, God. मरते वक्त अर्चना जी ने कहा कि उनके बच्चे जो आपके पास है उसका तब तक ख्याल रखे जब तक यहाँ से कोई नहीं आता। दामाद जी, अपनी पत्नी के गम में आखिर तुम कब तक डूबे रहोगे? अब इस परिवार के दामाद नहीं तुम बेटे हो। अपने आप को संभालो और अपने काम पर ध्यान दो बेटा। उसने तुम्हारे नाना नानी को मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम्हारी जगह उन्हें एक अनाथ बच्ची को सौंप दिया। दामाद जी, पूरी रात सोच सोच कर मुझे नींद ही नहीं आई। अगर तुम्हारे पास कोई गोली हो तो कृपा कर मुझे दे दो। अरे यार, ये तो मुझे सचमुच का डॉक्टर समझ रहे हैं। मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जुलाब की गोली दे दूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपनी बीबी की जान नहीं बचा सका इसलिए डॉक्टरी बंद। तो अब आप क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना है, तुम लोग अपना काम देखो ना। अब ये राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। तुम्हारे नाना ने उसका साथ दिया और वो MLA बन गए। चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद पहली बार उसने टीवी पर इंटरव्यू दिया, जिसे देखकर तुम्हें पालने वाला विश्वनाथ चौंक गया। I want Vizag MLA Sadashiv's number immediately. कौन हो? अरे क्या यार, मैं विश्वनाथ हूँ। कैलिफोर्निया आया था तब तुझे लेने आया था ना? हाँ, विश्वनाथ। उस दिन क्या हुआ था यार? तुम्हारे ड्राइवर ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया? और उस एक्सीडेंट में तुम दोनों की मौत हो गई। उस दिन के एक्सीडेंट में मैंने अर्चना को खो दिया एंड आई वेंट इनटू कोमा। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सुन यार, तू जिंदा है ये सुनते ही अनु ने इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ ली है, वो आती होगी। और एक गुड न्यूज है, तूने जो अपनी बच्ची के नाम पे वो फिक्स डिपॉजिट रखा था ना, वो 2000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2000 करोड़? करोड़ों रुपए की लालच में परम शिवा तुझे मारना चाहता था पर वो कामयाब नहीं हुआ। चंद रुपए पैसे पाने के लिए उसने मॉम डैड की जान ली और अब वो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जी, उसे मैं सजा देकर ही रहूंगी। फ्लैशबैक के बाद क्लियर होना चाहिए सब कुछ, कॉम्प्लिकेशन बढ़ क्यों रहा है? पता नहीं था वो इतना बड़ा क्रिमिनल होगा। अपने भाई की बेटी को मारने की कोशिश करने वाला कैसा जालिम इंसान है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। So, मैं सब कुछ भूलकर 2000 करोड़ उसके नाम पर ट्रांसफर कर दूं? इससे अच्छा होगा कि मैं उसे मार दूं। शिट। जिस इंसान ने तुम्हारे पैसों के खातिर हैवान बनकर तुम पर जुल्म ढाया उसे मैं कैसे सड़क पर लाता हूँ देखो। तुम्हारी माँ का कातिल तुम्हारे कदमों पर होगा। खेलूंगा और नचाऊंगा। नाच नचाओगे? तुमने समझा क्या है उसे? परम शिवा है वो। कौन सा खेल खेलोगे, क्रिकेट या फुटबॉल? चाहे कोई भी खेल खेलूं, अंपायर तो आप ही रहेंगे। जैसे कि तुम जो बोलोगे वो करना मैं शुरू कर दूंगा। नेवर। तुम फ्लैशबैक बताकर फंस चुके हो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे वो तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, तेरी बातों पे क्या खाक करेगा। आपको कुछ दिखाऊं? क्या दिखाएगी ये? डैडी, 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं। सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा? अपने जीजा को फोन करो। हाँ ठीक है, अब 10 मिनट में मैं अपने घर पहुंच रहा हूँ, तुम भी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँच जाओ। पता नहीं वहाँ कितने बम फोड़ेगा ये। हो हो माय डियर अनु, हो हो, वेलकम टू इंडिया, कम। लगता है आ गए, आ गए, आ गए। तूने मुझे यहाँ बुलाया और तू ही घर से लापता है? लड़की कहाँ है? कार में है, बाहर आ जा बेटा। अनु। मैं अनु। डैडी। बाप रे, मेरे कपड़े को इसी वक्त फंसना था। अच्छा काम करने में अड़चने तो आती रहती हैं। अंदर जाओ, गोल मारना है। जाओ। ये कोई मामूली कलाकार नहीं है दोस्तों, खतरनाक है। तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटी। कह तो ऐसे रहा है जैसे कि असली बाप हो। देखते जाओ भाई कितने रंग बदलता है। मैं
आपको कितना मिस करती रही डैडी, आपने मुझे अपने से दूर क्यों रखा डैडी? बस करना बेटी, धक धक मारती रहेगी तो धड़कने रुक जाएंगी इनकी। ऐसा है क्या डैडी? तुम इसकी बातों में मत आओ। जब बरसों बाद बिछड़े हुए बाप बेटी मिलती है ना, तो बेटियां ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। तुमसे दूर रहकर तुम्हारा पापा कैसे जिया है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर मैं सालों से इसके साथ नहीं होता तो मैं भी इसकी एक्टिंग का शिकार हो जाता। साला नौटंकी। डैड, यू नो व्हाट हैपेंड? कुछ गुंडे लोग मुझे मारना चाहते थे, पर मैं डरी नहीं और वहाँ से किसी तरह भाग निकली। हुआ था डैड? जिसने रोड पर इसे मारने की कोशिश की उसे ही अपनी दास्तान सुना रही है। बहुत मजा आएगा खेल में। डैडी रुक बेटा, बस कर। इन पर तू महीने भर का प्यार एक ही दिन में निछावर ना कर तो बेहतर है। तुम दोनों साथ रहने वाले हो, इंस्टॉलमेंट में प्यार करना। अंदर चल बेटी। वो अन्नू सही सलामत मेरे पास पहुंच गई, लेकिन अब तक उसने 2000 करोड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। हो सकता है भूल गई हो। भूलना नहीं चाहिए, ऐसे अच्छी बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे याद दिलाना होगा। क्या है ना, उसके सारे पैसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके आधा छोटे को दे दूंगा। तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है? पेक बना। ग्लास से पीने में मजा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बोतल ही उठाता हूँ। मैं उतार लो। हेलो। हाँ सदा। मेरा नया पार्टनर कैसा है तू? आई एम फाइन, तू कैसा है? मैं बहुत मजे में हूँ पार्टनर। अरे सदा, मैं तुम्हें एक न्यूज देना चाहता हूँ। वो गोवा वाला प्रोजेक्ट जो तुमने मुझे दिया था वो तो फ्रॉड है। वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है ये मुझे पहले से ही पता था पार्टनर। मैं उस जगह को खाली करवा कर अपने कब्जे में लेने वाला हूँ बहुत जल्द। बहुत बढ़िया पार्टनर। हाँ बाय द वे, यू टेक ऑन। वैसे एक बात बताऊँ, मेरा बेटा सिंगापुर से इंडिया आ रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक वो तुम्हारे पास ही रुकेगा, आगे चलकर उसका केयर टेकर तुम्हें ही बनना है। ठीक है गंगा राजू। हाँ। उसे आने दो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। यही है क्या जिसके फोन का इंतजार कर रहे थे? हाँ वही। और यहाँ जो अनु है उसका क्या? अनु का क्या, अब क्या करें? अनु का क्या, अब क्या करें? बड़े भैया फिकर नॉट, मैं हूँ ना। ये क्या है? सिंगापुर से नहीं, लगता है ये किसी जू से आ रहा है। दिखने में भी गोरिल्ला जैसा है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर तो अच्छी अच्छी लड़कियां फिसल जाती होंगी। सही कहा। सही कहा मैंने? इस लंगूर की औलाद को लड़कियां देखते ही डर जाती होंगी। अंकल। हाँ। और कितना टाइम लगेगा? और एक घंटा लगेगा। इतना टाइम तो किसी को मरने को भी नहीं लगता। इट्स अ जोक, जोक यू सी। बेहतर होता 8 घंटे की नौकरी कर लेता, सैलरी के लिए कम से कम सोचना तो नहीं पड़ता। बाबू कहाँ पर हो तुम? अपने गंगाराम जी के बेटे को रिसीव करके घर ला रहा हूँ बाबू। उस महाशय को इस महाशय के पास ले आइए ना। और ज्यादा उलझन में मुझे मत फंसा बाबू। बाबू 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 धत्ते की फिर फंसाया। अंकल का क्या पब्लिक बैकिंग है, मान गए, माइंड ब्लोइंग। सदा शिव जी जिंदाबाद, हमारे 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 सदा शिव जी जिंदाबाद। चल बात बैठ। एक तरफ मैं इन भिखारियों की सैलरी के लिए लड़ रहा हूँ और ये मुझे ही भिखारी की तरह दुत्कार रहे हैं। इनका तो भगवान भी भला ना करे। वेलकम सर। मैं सर नहीं, राज हूँ। वेलकम राज जी। मैं राज नहीं, सिद्धार्थ राज हूँ। अरे कोई भी राजू आ जाओ बाजू। कोई एरा गेरा राजू नहीं, मैं सिद्धार्थ राजू हूँ, भूल मत। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। नमस्ते सर। वाह क्या बात है, मेरा डुप्लीकेट मालिक। ए, 2x2 यहाँ कैसे? Welcome, my dear son. Son-in-law. मतलब वही, please come. Mr. PK, मेरे सेक्रेटरी से मिलके। मिलकर क्या? थोड़ा और पी लेना। तुम्हारे डैडी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, अब मुझे ये खेल नहीं खेलना। डैडी, 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? अरे मैं तो बेइज्जत होने के लिए यही पैदा हुआ हूँ। चलो काम पे लगते। सफर कैसा रहा बेटा? सुपर अंकल। यही है ना पूर्णिमा आपकी बेटी? यार तू कितना शार्प है। हाँ कितना खर्चा किया? डॉलर्स 5000, 3000, 7000, 8000। मेहमान आए हैं। कौन? हमारे गंगाराम जी के बेटे राजू। वेलकम फोर्ड आइकॉन। फोर्ड आइकॉन कहाँ सदा, यूथ यूथ आइकॉन कहते हैं। मैंने तुझे इसे पार्क होटल में ले जाने को कहा था, तू इसे घर पर क्यों ले आया? अपना बच्चा है, जरा सोच, कहीं गुम उम हो गया तो क्या होगा। ये बात भी सही है, ये यही बेटर है।
ए, रूम में ले जाओ बच्चे को। अभी रूम में ले जाने के लिए कह रहा है, बाद में बोलेगा बाथरूम में भी लेके जाओ। बाथरूम कहाँ है वो मैं देख लूंगा, तुम बस मेरा कमरा दिखाओ। मैं इतना जोर से सोच रहा था कि तूने सुन लिया। चल भाई आजा। हेलो पार्टनर, वो अभी अभी यहाँ पहुँचा है बाबू। डैडी, तुम्हारे डैडी का फोन है। तुम्हारे डैडी फोन लाइन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखना कैसे फंसता है। सारी हवा निकल जाएगी। खुश मत हो, उन्हें कहो मेरे नंबर पे फोन करें। ओके पार्टनर, बेटे के नंबर पर फोन करो। हेलो हे डैड, हाँ गोइंग गुड डैड, व्हाट अबाउट यू? ए सुनो, मैं एंट्री करूँ क्या? नहीं रे बाबा, अभी टाइम नहीं आया है। रुको, क्या है? मुझे थोड़ा डाउट है। अभी ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया था? पॉइंट तो है यार। हाँ, मुझे फोन कहाँ से आ गया? बताना होगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट यार, सुपर डाउट है। इंटेलिजेंट है तो खुद ही सॉल्व करो। उतना इंटेलिजेंट में कब से हो गया? डैडी डैडी फोन। हेलो हाँ विश्वनाथ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दोस्त, तू कैसा है? क्या कहा? मुझे न्यूज़ मिल गई है। न्यूज़ मिल गई है? कैसी न्यूज़? अनु तुझे मिल गई? ओ अन्नपूर्णा मिल गई, न्यूज़ तुम्हें मिल गई। गुड गुड गुड। अपनी फैमिली लेकर आ रहा हूँ। फैमिली लेकर उसे देखने आ रहे हो क्या? फैमिली को लेकर मुझे देखने के लिए आ रहे हो? हो गए यार तुझे देखे हुए, तू जल्दी आ जा यार। इधर आप इंडियन डैडी, उधर वो अमेरिकन डैडी, टूटू डैडी, यहाँ डैडी, वहाँ डैडी, टूटू डैडी, ये डैडी। कुछ तो ऐसे हो रही जैसे असली बाप हो। नारियल की चटनी बहुत टेस्टी है बेटा। अंकल यहाँ प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ? हाँ जरूर करो। कूल डैडी, डैडी डैडी डैडी, मुझे 2 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए। तुम इन्हें इस तरह हिलाओगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके पैसे आते ही बता देना। अंकल ये आपकी बेटी है? अनु मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? तुम तो कह रहे हो वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन वो अंकल को डैडी कह रही है, इसके दो बाप कैसे हो सकते हैं? सच बताओ ओरिजिनल डैड कौन है? आई नीड टू नो यार। मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ यार। क्या बताऊँ, ये मेरी बहन की बेटी है, बचपन से ही हमने उसे प्यार से पाला है, इसलिए तुम डैडी हो, मैं डैडी हूँ, ये भी डैडी है, जो उसे प्यार करेगा सब डैडी है। तो अंकल आपकी बेटी कहाँ है? डैडी डैडी, इसे अभी क्यों बुलाया? 3 दिनों से मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, इसे आप अभी ला रहे हैं बाबूजी? हम भी क्या करते, इसे वक्त मिले तब ना। हाँ। जब से अमेरिका से आई है मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, यही रट लगाया है। ये गबरू जवान कौन है? याद है मेरा एक बिजनेस पार्टनर है गंगाराजू नाम। हाँ। का उसी का बेटा है। तुम अक्सर इसी की बात करते रहते थे क्या? क्यों बेटा ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ पर वो लड़की कौन है? कौन? अनु। क्या कहा? 2x2 की बेटी अनु। मैं ही हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। अच्छा तो तुम उसके पिताजी हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अनुसुईया, अनु अनु कहकर बुलाते हैं। ठीक है अंकल, वो ऐसे क्यों चली गई? वो क्या है ना बेटा, उसे अपना सीरियल देखना था, इसलिए सीरियल की हीरोइन की तरह छन छन करती चली गई। बाप रे, बिना शादी के दूल्हे राजा जवान बेटी के बाप बन गए। अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुंवारा बाप 2 बन गया। छुटकी 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 छुटकी, कहाँ चले? अरे आप कहाँ चले? गुड़िया रानी को मनाने। ये चिट्ठी ले जाकर गुड़िया रानी को दे दो। ओके गो। छुटकी के लिए चिट्ठी है। छुटकी बिटिया, छुटकी बिटिया, छुटकी बिटिया। यहाँ ये सब क्या हो रहा है डैडी? मैं इस बेवकूफ की बेटी हूँ क्या? मेरे नाना नानी जिंदा है, ये बात आपने मुझसे आज तक छुपाई क्यों? वो पराई लड़की कौन है डैडी जो आपको डैडी बुला रही है? डैडी बताओ, डैडी बताओ। आई वॉन्ट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इस छुटकी के साथ कैसा धोखा हो रहा है डैडी? आप मुझे क्या कहते हो डैडी? छुटकी कहते हो, छुटकी कहते हो ना? छुटकी चिट्ठी छुटकी कहते हो ना? चिट्ठी जरा सबर करो, मैं समझाता हूँ। तुम स्टेट की मालकिन हो, ये तुमसे राज रखा गया है। ऐसा क्यों? ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सच्चाई ये है, अमेरिका में रहने वाली अनु से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ मैंने ट्राई नहीं किया, सदा ट्राई करके हार चुका था। ये करता भी क्या? गम में डूबे तुम्हारे नाना नानी को जीवन दान देने के लिए अनाथ बच्ची को गोद लिया और उनके सामने पेश की, जिससे वो अपने दुखों से छुटकारा पा सके। कन्विंस हो गई ना? सच में डैडी, यू आर रियली ग्रेट डैडी। आपके दरिया दिल को मैंने अनजाने में चोट पहुंचाई। आई एम सॉरी डैडी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बेटी? मुझे तो ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी।
मैंने अपनी गुड़िया रानी का दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बापरे, बापरे, बापरे। So basically, ये अनु ही आपकी सगी बेटी है। अच्छी बात है, आप ही बहुत ग्रेट हैं अंकल। पैसे कमाने के आज के इस दौर में रिश्तेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं आप। गुरु मंत्र तो बिल्कुल सही जगह बैठा है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। कोई ना कोई जरूर फंसेगा इसमें। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है अंकल, आप क्या बड़बड़ा रहे थे? तुमने ऐसा क्या सुन लिया बेटा? वही अंकल कि कोई ना कोई फंसने वाला है, ख्याल रखना, ऐसा आपका मैसेज आया था। मैंने मैसेज भेजा था? आप ही ने अंकल। चला गया होगा बेटा। हाँ हाँ। मेरी किस्मत ही खराब है, निकलने की जितनी कोशिश करूँ फंसता ही जाता हूँ। वन मिनट, तुमने कहा ना मैंने मैसेज भेजा, तुम यही रुको, मैं अभी आता। भैया। हाँ बोल। कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है, सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा क्या बात है पीके? बाबू, तूने उस लड़की को मैसेज क्यों भेजा, और भेजा तो मेरे नाम से क्यों भेजा? ये पूछने के लिए मुझे फोन किया? इसी तरह उसे मैनेज करो। अरे बताना, मुझे उसे जवाब देना है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बार बार फोन करके परेशान मत कर। अंकल, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। तुझे फोन करके परेशान कर रहा हूँ? मैं परेशान हो रहा हूँ। सच कह रहा है? हाँ सच में। अब फोन पे नहीं, सामने बात करेंगे, चल रख। तुम मेरे मैसेज से इतना परेशान क्यों हो? क्या? कौन मैं? हाँ। मैं परेशान हूँ? हाँ। फोन है, बॉक्स है, फोन को बॉक्स में डालो, उसे बंद करके लात मारो, वो भी जोर से। इतना टेंशन क्यों लेती हो? कुछ तो झोल झाल कर रहे हो आप, मेंटल मेंटल अंकल। हाँ बेटी, मैं मेंटल हो गया। दिल दिया है जो... अरे अरे अरे, पागल हो गया क्या? वो उसकी सगी बेटी है, पता चला तो मार देगा। होगी सगी बेटी, मैं भी मामूली इंसान नहीं हूँ, समझे ना अंकल? आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है अंकल? ये बात तो सही है। हे, वो मेरी बच्ची जैसे है यार, तो इस खेल में कहीं उसे चोट मत पहुंचा देना। देखिए अंकल, अपने अपनों के साथ कभी धोखा नहीं करते, और मैं भी थोड़ा दूसरे टाइप का हूँ, आप बेकार में टेंशन मत लीजिए। इसने मुझे समझाया है या कहीं फंसाया है? ए, टू बाई टू। इसका कुछ नहीं हो सकता। ए, टू बाई टू। हाँ, बोलो भाई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं, तूने सही जवाब देकर मेरी जान बचा ली। क्या हुआ, कैप आ गया? ये लो। अरे बाप रे, अब कौन सी बला आ गई? क्या फर्क पड़ता है, तू है ना मेरे साथ, चलो। ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्यों आ गए? इन्हें तू जानता है क्या? मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आए हैं तो अपने ही होंगे ना। ये शायद विश्वनाथ है। डॉक्टर सदाशिव। हे, ये तो मुझे बुला रहा है। डॉक्टर विश्वनाथ। यार कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हमें। आई एम सो हैप्पी। अरे ऐसे खांस क्यों रहा है सिल्ली फेलो? ये डॉक्टर है ना। बाबूजी, आप यूएस में करते क्या है? ये कौन है जो बीच में चमचे की तरह बोल रहा है? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? ना ये चमचा है ना ये ड्राइवर है, ये मेरा राइट हैंड है। अपने राइट हैंड से इंट्रोड्यूस करवा रहा है अपना लेफ्ट हैंड दिखाकर। तेरा लेफ्ट राइट कब से हो गया यार? अरे संदीप, ये डमी डॉक्टर तो मेरा ऑपरेशन कर रहा है। ये भी मेरी एक चाल है तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए। बचो। ए, पहचाना ये कौन है? तूने सही समझा, ये मेरी बेटी है। जब देखा था इतनी छोटी सी थी। वो तब की बात थी, अब तो बड़ी हो गई सिल्ली फैलो। डैडी, डैडी, माय डैडी। देखो बेटी, अब ये नहीं, ये है तुम्हारे डैडी। डैडी, वो भी मेरे डैडी है। डैडी, ये भी मेरे डैडी है। डैडी, क्या है यहाँ तो डैडी का स्वयंवर लगा हुआ है। डैडी डैडी डैडी। ये गबरू जवान कौन है, तुम्हारा बेटा तो नहीं लगता? ये तो इस घर का होने वाला दामाद है डैडी। तुमने इसे अपनी सगी बेटी के लिए बुलवाया या फिर नकली बेटी के लिए? माता माता, अभी माता, रुक जा रुक जा, अंदर चलें वरना बारिश आ जाएगी। चलो चलो, बहुत हो गया ड्रामा। तू इंडिया में आकर अपने पुराने दोस्तों को भूल गया यार। अर्चना।
अर्चना इस दुनिया में कहाँ है? अर्चना, ये मेरी बेटी। बचपन में अर्चना ने इसे गोद में लिया था, मुझे लगता है इसलिए उसका साया इस पर पड़ा। चल बेटी। भूख लगी है, कितना टाइम हुआ कुछ खाके? कुछ खाने को दो ना मुझे। मेरी बेटी को भूख लगी है? 10 पूरिया खा के पेट नहीं भरा? मुझे नजर मत लगाओ। अन्नू, पूर्णा, अन्नपूर्णा है। यहाँ इस तिकड़म खेल में अन्नपूर्णा बेचारी अकेली पड़ गई है। व्हाट अ फैमिली, व्हाट अ फैमिली। एक बात बताओ, तुम क्या उसे दिल दे चुके सनम? हाँ, हम भी सनम। चुप कर, चल। जब मैंने देखा था तब ये बहुत बड़ी कलाकार थी। हमारे डायरेक्टर साहब भी यही बता रहे थे। वो कौन होता है कहने वाला, मैं बता रहा हूँ ना, ब्रह्मा ने इसे बहुत फुर्सत में बनाया है। सच बताऊँ 2x2, एक्टिंग करने से ज्यादा इजी है मर्डर करना यार। ये क्या यार, यूएस में रह चुका फिर भी इंडियन की तरह पी रहा है। सिल्ली फेलो, यू सिल्ली फेलो, यू सिल्ली फेलो। मेरी बात पर नाराज हो रहा है क्या? कैसा आदमी है ये, हर वक्त किसी न किसी झमेले में फंसा ही देता है। ये बोलते हैं तो बोलने दो भैया, बस ध्यान अपना ग्लास पे रखो। ये क्या फुसफुस कर रहे हो तुम लोग? किस्मत अच्छी है कि तू मौत के मुंह से वापस आ गया। चाहे जो भी हो, मैं मान गया कि तू बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वाह, क्या मास्टरमाइंड है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया है। सदा ने अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न बहुत बड़ा है। बिग रिटर्न्स मतलब लगभग कितना होगा अंकल? 2000 से लेकर 3000 करोड़ के बीच में होगा, पक्का तो मुझे भी पता नहीं है। ये क्या, अनु ने तुझे कुछ बताया नहीं? वो बताने के लिए उसके पास टाइम ही का है, जब से आई है गाड़ी में ही भटक रही है। बरसों के बाद लौटी हुई बेटी को तुम कैसी हो ये पूछने के बजाय तुम कितना लाई हो ये मैं कैसे पूछ सकता हूँ? आप तो सच में ग्रेट एंगल, इसलिए मेरे डैड आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। क्यों रे? अच्छा ये बताओ, ऊपर के ड्रेसिंग टेबल में से जो लाली पाउडर मिला है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है ना? अरे बादी ने कैसे पता चला, इसके बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू इस बूढ़े को घूर रहा है? बूढ़ा कौन बूढ़ा, I am just 40+। 40+? हाँ, 40- होना चाहिए। अरे बाप रे, पहली बार किसी ने तारीफ की है, मतलब चांस है मेरी भी शादी हो सकती है। कब तक कुंवारा रहूंगा? इसे ज्यादा मत चढ़ा वरना ये सर पे चढ़ के नाचेगा। तू जो चाहे कर ले, तेरी शादी कभी नहीं होने वाली। जब तक ये पनौती मेरी जिंदगी में रहेगा मेरे हाथ पीले नहीं होने देगा। क्या हो रहा है यहाँ, संदीप के कमरे में जा रही है। कैच की रुक गई। खतरे की घंटी है बाबू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। 3 का आंकड़ा अशुभ होता है। रुक गया तो तुम्हें छोड़ दूं? थैंक यू, माय प्लेजर। ड्रेस बहुत बढ़िया। ये सब तुम्हारे लिए तो है। अच्छा, मेरे लिए सजी हो तो मेरी पसंद का पहनना चाहिए था ना। तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है? ओरिजिनल देसी है वो। क्या हुआ, तुम्हें ड्रेस नहीं पसंद आई? तो चलो ना शॉपिंग कर लेते हैं। या क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये पासवर्ड टाइप करने के बजाय पियानो क्यों बजा रही है? पियानो ही पासवर्ड होगा। हाँ, मैं भूल गई डैडी, आई मीन प्रोसेस में भूल गई। आपको भी पता नहीं? मुझे कैसे पता होगा। ये क्या कह रहा है यार, तूने तो इन्वेस्ट किया था। अब वो बहुत साल गुजर गए ना, इसलिए भूल गया। तो फिर आप बताइए ना डैडी, ये भुलक्कड़ है, इन्हें यादें अनु ही बता सकती है। अनु कैसे बता सकती है? अर्चना अनु, अनु अर्चना, दोनों ही मेरे बच्चे है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। ए मिस्टर 2x2, कॉल अर्चना प्लीज। कॉल अर्चना, मैं बुलाऊंगा। ओके, कॉल अर्चना, कॉलिंग, जस्ट कॉलिंग। क्या करूं, मेरा तो बैड लक ही खराब है।
400,000 shares and 1500 uncle. Share? No sharing. Alone. Total amount kitna hai? Hindi mein bolo. 9206 crore. Daddy. क्या है बेटा? शॉपिंग के लिए जाना है. घर में इतने मेहमान आए, इन्हें छोड़कर शॉपिंग में कैसे जाएं? इन्हें भी अपने साथ ले चलते हैं. हाँ डैडी, मैं भी जाऊंगी. डैडी मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है, प्लीज. वो तुमसे नहीं मुझसे कह रही है. आजा बेटी मेरे पास आजा, मैं शॉपिंग करवाता हूँ. पूर्णिमा कॉलेज के नाम से अपने बाप को उल्लू बनाती है और यहाँ आती है. अभी देखता हूँ. ए पूर्णिमा. सर बिल सर. हाँ भैया, 10 करोड़. इतना ही ना? भैया कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है. थैंक्स. बहुत बढ़िया है. वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता. एक अंगूठी में ही पिघल गया है ये. ए, 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 पू, ए, पूर्णिमा, ए, रुक, पू, टैक्सी, इधर आ. हाँ? ये भी सदाशिव है. कुछ तो गड़बड़ जरूर है. एक जैसे दो इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे दो पार्टी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, रैक में रैक में. पूर्णा इधर आ जाओ. आंटी आप तैयार हो? अंकल जी, अंकल जी, फैन चलाओ, फैन चलाओ. हाँ वो फैन चलता नहीं है. ये फैन नहीं यार, वो वाला फैन. ओह क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगा. मैं तुमको सब सच बताता हूँ मैन. ये है मैटर. मैं कुछ समझा नहीं. कोई बात नहीं, तुमने डबल रोल देखा है एज इट इज. अब देखो, तुम जैसे पूर्णा समझते हो वो पूर्णा नहीं है. अनु पूर्णा है, पूर्णा अनु है. तो अनु कौन है? पूर्णा. पूर्णिमा तो पूर्णिमा है ना. वो पूर्णिमा अलग, ये पूर्णिमा अलग, ये अनु है. अरे माय गॉड, वो सदाशिव एक नंबर का पागल है, एक नंबर का चीटर है ना यार. तुम तो ब्रिलियंट हो. पूर्णिमा से मिलना है, कैसे मिलूं बताओ ना. इस सिचुएशन में ये काम जरा मुश्किल है. अगर मिलना इतना ही जरूरी है तो मैं कोशिश करूंगा. चलो. वहां मिलेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? तो मैं फिल्म इम्पोर्टेंट है या कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है? पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है. तो फिर तुम सच में मिला दोगे ना? मेरे दादा के कहने पर आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूँ अंकल. क्यों, वो खुद नहीं आ सकते थे? वो तो यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन वहाँ का कारोबार उन्हें संभालना है. करेक्ट है. ये जोकर कौन है अंकल? ये मेरा राइट हैंड है. राइट हैंड का इंट्रोडक्शन लेफ्ट हैंड से? ए, मैंने भी यही पूछा था. बीच में मत बोल. कुकड़ुकू कुकड़ुकू. इसका नाम गौतम है, सिद्धू का फ्रेंड. ये इटली से आया है. जानते हो किस लिए? रिश्ता जोड़ने, सुनंदा को देखने आया है. इतने बीमार और एक अनार. हमारी बेटी की क्या किस्मत है, सारे रिश्ते विदेश से ही आ रहे हैं. उस संदीप के कहने पर आप इसका रिश्ता जोड़ रहे हैं? सही बात है यार. ये तेरे जहन में कैसे आई? कैसे नहीं आती, पूरी फिल्म तो मैं ही लिख रहा हूँ. ये बता, तेरे भाई परम शिव को क्यों नहीं बुलाया? वही यार, बिना काम के इधर उधर के लोगों को टोपी पहनाता था. जिसने यहाँ टैक्सी भी तेरे पैसे से ली थी, कहाँ है वो? वो परम शिवा मैं ही हूँ, और वो टोपी बाज दलाल भी मैं ही हूँ. ओ, तो ये कॉमेडियन फिल्म का विलन है? सब कुछ मैं ही हूँ.
पैसे मुझे ही भेजे गए थे। तुम गौर से देखो, इसकी शक्ल पर ही चोर लिखा हुआ है। बाकी सब कहाँ गए? मंदिर गए हैं मालिक। तेरा प्यार दो नावों पे सवार है, अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, तुझे समझ में नहीं आ रही है ना? मैं बताता हूँ, उसे एज इट इज फॉलो करो। डैडी आ गए। डैडी, ये लोग कौन है? पहचाना नहीं भाई, ये ओल्ड एज होम वाले हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मालिक, मालिक आप हमारे देवता, आप हमारे देवता हैं, क्योंकि हमें सड़क से उठाकर आपने हमें नई जिंदगी दी है। मालिक, एक बार हमें बिटिया रानी के दर्शन करवा दीजिए। बड़ी बात क्या है, कभी भी मिलवा सकता हूँ। अभी भी बाहर गई, सीएम से मिलने गई। फिर कभी नहीं। हमें उनसे आज ही मिलना है। उनके आने तक हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है, यही इंतजार करो, आराम से बैठे रहो। हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक भी नजर नहीं होना चाहिए। डैडी, आप तो साफ साफ झूठ बोल देते हैं। सच बताइए डैडी, आप ही हो ना, मतलब मेरे डैडी हो ना? हाँ, अरे तुम यहाँ पर क्यों आई? ये सब पॉलिटिक्स है बेटा, चलो अंदर जाओ। हाँ चली जाओ। यहाँ से ही नहीं, मैं इंडिया से चली जाऊंगी। नहीं, नहीं बेटा, ऐसे बात मत करो, मेरी बात तो सुनो। अरे दामाद जी, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बताएंगे, मैं बताऊंगा। ये क्या बताएंगे, मैं बताऊंगा। आपने हमारे लिए जो ओल्ड एज होम बनाया है, उसे तोड़कर हॉस्पिटल के नाम पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया। कोई बहाना नहीं चलेगा, जिनके साथ तुमने इंसाफ नहीं किया, वो लोग आज यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सच है। ये सच है कि उसे गिराया गया है, और ये भी सच है कि वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया है। जानना चाहेंगे ऐसा क्यों किया गया? आपके लिए, आप सबके लिए, आपकी बेटी के नाम के लिए। इन गरीबों से इनकी जगह लेकर इनसे बेहतर जिंदगी का वादा करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है, ताकि इन्हें वहाँ बसा सके। दामाद जी, तुमने इन गरीबों के बारे में इतना अच्छा सोचा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूल्हे राजा जिंदाबाद। ये कौन बोला रे? एक बार सामने तो आ जा, दूल्हे राजा मैं तुझे बना दूंगा। चाहते हमारे नायक एमएलए सदाशिव जी जनता की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने गरीब जनता की भलाई के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए और एक अहम कदम उठाकर लोगों के दिलों में प्यार की बूंदी बनकर बस गए हैं। आज उन्हीं की ससुरजी के हाथों से भव्य इमारत का उद्घाटन किया गया है। अंकल, एप्पल से आपके लिए मेल आया है, कपल ऑफ आवर्स में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पैसा पूरा डूब गया। तो आपको दुखी होना चाहिए, आप नाच क्यों रहे हैं? मैंने गांव वालों का दिल जीत लिया, पूरा पैसा ट्रस्ट में ट्रांसफर करवा दिया, पूरा पैसा डूब गया। अमेरिका, एप्पल, कपल ऑफ आवर्स, प्रोसेस स्टार्ट। ये संदीप कोई मामूली लड़का नहीं है। टेल मी हु एम आई? जैक्सन, माइकल जैक्सन। हाँ जैक्सन लगा तुझे, ये ले। मेरे यार सदाशिव। ये कौन? याद नहीं आ रहा। भूषण है ये।
तू ही पहचानना, अरे राम अवतार जी है ये। ओ, इसके कान काफी बड़े हो गए ना, इसने पहचान नहीं पाया। तुमसे कुछ सीरियस मैटर पर डिस्कशन करना है। चलो हम कोपचे में चलकर बात करते हैं। ओके, बहुत सीरियस मैटर है, चलो चलो चलो। 15 years, सब कुछ गवा दिया। We lost our lives in Texas jail. जेल में। तागड़न बैचलर मैच, पा 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 पा। तागड़न बैचलर मैच है। हाउ 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 हाउ। ये सब क्या हो रहा है? FBI किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। तुम देखना, मुझे अपना भागीदार बनाकर 50% 2900 crores मुझ पर दावा ठोक सकते हैं अगर नहीं दिया तो। इधर 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 इधर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। ले ले यार, मैं दूसरा बॉल ले लूंगा। तू तो बिल्कुल सीरियस हो गया, मैं तो जोक कर रहा था यार। क्यों, किस लिए? ये सारे सवाल मत करना, जो बात मैं पूछूंगा उसके जवाब देना। ठीक है, पूछ। प्रॉमिस। कोलगेट। कोलगेट। सर सर सर, ठीक है पूछ। सच बता, वो कौन है? बुसु तुसु। बुस तुसु नहीं यार, उसको मैं जानता हूँ। उसके साथ जो है वो कौन है? अरे US में वो तेरा कलिक था यार। मेरा कर... ओ ऐसा है, मुझे पूरा याद क्यों नहीं आ रहा? क्यों सिल्ली फेलो, दिन भर प्रैक्टिस करके रात में तेरे साथ रिसर्च करता था, भूल गया? मैं रिसर्च? कैसे रिसर्च? वही यार, सिंड्रोम सिलिकॉन वैक्सीन का। उस फॉर्मूला पर केस हो गया था तो तू FBI के डर से इंडिया भाग कर आ गया। उसके बाद वैक्सीन का बुरा रिएक्शन हो गया, उससे कितनी जानें गई। US के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जो जीना चाहते थे वो मर गए और तू मरकर भी बच गया। लगता है मेरे भाई की वजह से जितने लोगों का मर्डर हुआ है वो भी मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। हेलो लॉयर बत्रा जी। yes? मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ पूछिए। US से मेरा एक फ्रेंड किसी मर्डर केस में FBI से जान बचाकर मेरे पास आया हुआ है, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? वो केस अगर आपके दोस्त का है तो आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अगर मैटर FBI का है तो CM PM तो छोड़ो, प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। हेलो। क्या यार सदा, मानता हूँ तेरे पास बहुत पावर है, तो क्या तू पब्लिक के साथ ऐसा करेगा? मैंने क्या किया? दिल्ली से शर्मा जी आकर बैठे और डिसाइड किया है कि तुझे पार्टी से सस्पेंड कर देंगे। उसकी चापलूसी में तुम लोग कभी ना आओ। हाँ सदा, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी ही बात चल रही है, सारे मीडिया वाले बस तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से पार्टी का फाउंडेशन हिल गया है। मैंने? अरे फाउंडेशन मैंने? सुनिए सदाशिव जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या? ठीक नहीं किया मैंने? मैंने ठीक नहीं किया? अरे तुम सब लोग दूध के धुले हो और मैं गटर का कीड़ा हूँ? क्या किसी का फाइनेंस लूट कर खाया है जो मुझे सस्पेंड कर दोगे? करना है तो करो, अब मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा। चल ये सदाशिव क्या कर सकता है दिखा दूंगा। बड़े भाई। हाँ बोल। सदाशिव तो गया। पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया भाई। यहाँ पब्लिक उसके खिलाफ नारे लगा रही है। भाई मुझे और क्या करना है बोलो। भवानी को फोन किया था। अरे भाई सॉरी भाई, काम के चक्कर में भूल गया था भाई। वो काम तो बिना बताए ही हो गया। अच्छा तूने कुछ खाया नहीं है ना? मेरे भूख के बारे में अभी ख्याल आया। कोई बात नहीं, घर पे आ जाओ क्या? शो शो अंकल। अंदर कोई तुस्सु बुस्सु आपका वेट कर रहा है। आज मेरे हाथों से वो मरेगा या फिर नहीं, उसे ही मरना चाहिए। मैं क्यों मरूं? मुझे ही डरा रहा है, आज मैं उसकी लाश गिरा कर ही रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। दामाद जी। जी बाबू जी। FBI की आंखों से बचकर US से भागा हुआ ये शख्स सच में डॉक्टर नहीं है। वाइजेक पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक केस दर्ज है। दो औरतों के मर्डर केस में भी ये शामिल है। सुनने में ये भी आया है कि हमारे सामने जो MLA हैं, वो सदाशिव जी नहीं बल्कि उनका हम शक्ल है। हमारी कार्रवाई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या कह रहे हैं डैडी? क्या है? क्या सुन रहे हो डैडी? आप बस हमारे साथ बने रहे। आप क्राइम करके US से भाग कर आए हैं ना? आपने FBI से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। ताज़ा खबरें देते रहेंगे सदाशिव जी के बारे में और MLA के बारे में। We are from Interpol. Hey, MLA सदाशिव।
क्या हो रहा था आपको? हाँ, आप ठीक तो हो ना? ये दौलत की लालच में आकर भैया की जगह लेकर जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है यार। अब समझ में नहीं आ रहा है बचने के लिए किसकी मदद लूं। तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है। कौन? तुम्हारी असली पहचान। हाँ वही, सदाशिव के गुनाह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये तुम साबित कर सकते हो। तुम तो सदाशिव हो ही नहीं, परम शिवा है तुम्हारी पहचान। बाहर जाकर असलियत बता दो लोगों को। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? अन्नू की जान लेनी चाहिए, वो लोग मुझे माफ करेंगे। कह देना लालच में भाग गया था, दिल खोल कर अपनी गलती मान लो। कह दो कि उस लड़की के दौलत को हथियाने के लिए नाटक किया था तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी और साथ में सिंपथी भी मिल जाएगी। ओके ब्रह्मानंद, तेरा टकला लाओ मैं चूम लूं। असली नाम बताने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, ब्रह्मानंद हूं मैं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। ऑडियंस से तू बाद में बात कर लेना, पहले सब लोग कहाँ है वो तो जरा जाकर देखो। देखता हूँ। बोलो भवानी। ए ए भाई, तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया। अब एक काम कर, वो वीडियो क्लिप डिलीट कर देना प्लीज। क्या तुम भी यार, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अभी लो, वन सेकंड, हियर यू गो। अब मैं इन्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। मेरी तरफ से एक वार्निंग सुन लीजिए, आपकी बीपी हाई है तो टेबलेट खा लीजिए, हार्ट पेशेंट है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके? अरे मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर भूल गया, तुम्हें एक और जरूरी काम करना है। अब क्या करना बाकी है? तू जैसा कहेगा वैसे ही नाचता रहूंगा मैं। सर्कस का जोकर हूँ क्या? मैं तेरी औकात दिखा कर रहूंगा। शेर हूँ मैं, मेरी दहाड़ सुनेगा, पंजा चखेगा क्या? मैं बहुत डर गया शेर जी। वैसे उस वीडियो की मास्टर कॉपी स्मृति के पास है, वो बस मैं डिलीट करने का सोच ही रहा था। क्या आपने अपना असली रंग मुझे दिखा दिया? तेरे पास मास्टर कॉपी है? क्योंकि आप भी कोई मामूली खिलाड़ी तो है नहीं शेर जी। स्मृति मैडम कहाँ है? किस लिए शेर जी, उनके आगे भी गुर्राओगे क्या? देख भाई, वैसे भी जंगलों में शेर कम बचे हुए हैं, उन्हें मार मत। वैसे मैडम जी हैं कहाँ? अभी तो वो नहा रही हैं जी। अच्छा वो नहा रही हैं। हाँ। कोई बात नहीं, उनके पास जो मास्टर कॉपी है वो भी डिलीट हो जाती तो अच्छा था। उनके नहा कर आने तक इसकी गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। क्या हुआ दामाद जी? मैं आपको सब सच बता देता हूँ, मैं आपका दामाद सदाशिव नहीं हूँ बाबूजी, उन्हीं का जुड़वा छोटा भाई परम शिवा हूँ। सदाशिव मर चुके हैं, मैं तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ। सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। भैया ने मेरे बारे में कभी नहीं बताया होगा। सारी संपत्ति की मालकिन आपकी बेटी अर्चना, जब इंडिया आई थी मेरे भैया के साथ, तब ये सारा हादसा हुआ। आप लोगों की इंसानियत और प्यार देखकर मैंने उस बच्ची को अब तक जिंदा रखा, वरना वो बच्ची यहाँ नहीं रहती, कब की चली गई होती अपनी प्यारी माँ के पास, अमरीका में नहीं सीधे स्वर्ग। मतलब दौलत पाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया? इतनी जल्दी क्या है बाबूजी, मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। आपकी पोती आप तक पहुंच जाए तो सारा मैटर ठीक हो जाएगा, ये सोचकर मैंने उसे तीन बार मारते मारते छोड़ दी। बात को दबाने के लिए परफेक्ट प्लान रेडी था मेरे पास। इतने में इस घर में चिरंजीव सिद्धार्थ बाबू उर्फ संदीप महाशय ने मेरा फ्लैशबैक जानकर मुझे बर्बाद करने का गेम शुरू किया। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? अगर इसने बता दिया तो सबसे पहले सदाशिव मेरी लाश गिराएगा। बता किसने बताया था? यहाँ पे मेरा डायलॉग होना चाहिए ना। हाँ तो बोल ना। अंकल यू फॉरगॉट मी, मी गौतम राजू फ्रॉम इटली, आपसे रिश्ता जोड़ने आया था। अरे मरा क्यों? सच्चाई जानता है तू? गौतम राजू नहीं है, सिद्धार्थ राजू है, गंगा राजू का बेटा। पागल समझता है, मैं नहीं जानता। अंकल का पागलपन ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेस, सुपर। आओ गले लग गया, गले लग गया, लगता है गुस्सा आ रहा है। यू सिल्ली फेलो, गुस्से में इतना लाल पीला क्यों हो रहा है तू? अरे यार तुम्हारा राइट हैंड कटे मुर्गे की तरह सर क्यों ला रहा है? सोने का पानी चढ़ाने से पीतल असली सोना नहीं बन जाता, ऐसी हालत है इनकी। तू कुछ बोल के ना सिल्ली फेलो। तुस्सु तुस्सु अमेरिका तुस्सु तुस्सु, तू भी अमेरिका से आया है ना, वो तुझे कहाँ मिला? मैंने कब कहा? तूने कब कहा था? चल सच बताओ। तुम कुछ कहो। चैटिंग यू सी। चैटिंग करती हुई मिले? कहाँ? चिराग नगर में। मैंने इसे क्या कहा उसे हिंदी में बताओ तो। हिंदी में बोलो। लगता है इन्हें सब पता चल गया। डैडी अंकल पूर्णिमा डैडी
डैडी, नल में पानी नहीं आ रहा है। How can I bath without hot water? भाजा, भाजा। ए, नल में पानी नहीं आ रहा है, मैं कुछ मदद करूं, साथ में चलो। डैडी, कल रात को मम्मी मेरे सपने में आई थी। आपके बारे में वो मुझे बहुत कुछ बताने वाली थी, पर बात पूरी होने से पहले मेरी आँख खुल गई। वो क्या बोलने वाली थी मैं बताता हूँ। मैं तेरा डैडी सदाशिव नहीं हूँ, उसका हमशक्ल जुड़वा भाई परम शिवा हूँ। मम्मी। डैडी 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 डैडी, कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं। सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है। अरे गद्दार, ये बात तूने बताई थी। तुझे तो मैंने अपना समझकर राजदार बनाया और तूने ही मेरे गले का फंदा बनाया। तो जैसे नमक हराम को अगर धोखा मिला तो इसमें बुरा क्या हुआ? तू तो इसी के लायक है। नमस्कार सर। कहाँ भागता? रुक, कहाँ भागता? रुक, रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। इधर आ, मैं कहता हूँ। जैसे समझाया वैसे ही करना। ओके। कहाँ छुपा है तू? मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? भाई इस जल्लाद को देख रहे हो? ये मुर्गी की जगह मुझे बनाकर खाने के मूड में, जरा रोको ना इसे भाई। क्यों रे, हमारे साथ नाटक कर रहा है? डैडी कहाँ हो तुम? रुक जा बेटे, जल्दबाजी नहीं करते। बेटी अनु, ट्रांसफर जरा स्टार्ट कर दोगी? तुम भले ही मुझे शूट कर दो, मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी। अब करोगी? इनसे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। करोगी? कुछ नहीं हो रहा यार। ट्रांसफर करती हूँ। गुड गर्ल। होमबाक, होमबाक। तुझे तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। ए चुप। गंगा। जल्दबाजी मत कर, ऐसा कहते हुए दुश्मन के हाथ पे गन दे दिए। तुम इतनी आसानी से हमें नहीं मार सकते हो। चुपचाप गन को फेंक दो। मुझे ललकार रहा है। तूने और तेरे बाप ने मिलकर अनुपूर्णा की फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम भी कोई एक्टर से कम नहीं हो। वो गन नकली थी बेवकूफ। अरे क्या कर रहा है? अबे ये गन मुझे दे, अभी इसको दिखाता हूँ। ये ले। अबे नहीं डैडी नहीं। मर गया, मर गया। इसके अपने गन आ गई। मेरा बेटा ही गधा, चल ला गन मुझे दे दे। चल चल फटाफट चल। इधर ही था क्या? कहाँ? यहाँ पर। कहाँ हो तुम? यहाँ पर है वो। यहाँ कोई नहीं है भाई। अरे यहीं तो था वो। भागो, 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 भागो। अरे कौन है? अरे मेरी गन, मेरी गन, मेरी गन, गन। अरे टू बाय टू। मुझे डर लग रहा है। तुम छुप रहे हो बेटे? हाँ डैडी। कैसे छुपा जाता है मैं बताता हूँ। ठीक है मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरा फ्रेंड मिल गया है, तू बाहर आ। मुझे मर जाने दो, लेकिन तुम सामने बताना। ए संदीप, तू बाहर आ जा, मैं देख रहा हूँ। ओके डैडी कमिंग। अब बच गया। अबे तुझे सेफ्टी टैंक की पड़ी है, तू उसमें डूब जा, डूब के मर जा, तब मैं आऊंगा। अरे मैं हूँ तेरा मामा, चला जा। मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तेरी तो मिल गया। ए अंकल मैं हूँ सिद्धार्थ राजू। अरे तू तो मेरी पार्टी में है यार। क्या? तेरे डैडी जिसकी बात करते थे वो मैं हूँ। तो फिर आज तक आपने इतना नाटक क्यों किया? अरे यार तुझे कैसे समझाऊँ मैं। ए सिद्धू, हाँ? लगता है बाहर से कोई अंदर आया है, चल देखते। नहीं बाबा मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। चल बाहर। ए सिद्धू, हाँ यहाँ कोई है, चलो उठा। ठीक है। मुझे नहीं यार।
पागल पलंग उठा। ओ ठीक है ठीक है। उठा उठा। कोई मिला? यह तो कोई नहीं यार। तो फिर रख दूँ। ओए माँ, तू भूत वापस आ गया, भागो। हाँ, अरे लाइट आ गई। हाँ, अरे वाह, अनुष्का, I love you, कितनी प्यारी है अनुष्का। You know ना, I love you। अनुष्का मुझसे शादी करोगी? दीदी भड़क, दीदी भड़क गई। अरे ओ भांजे, तू तो किसी काम का नहीं निकला रे, मारने का मन कर रहा है। इस आइडिया से वो बच नहीं सकता। आखिर तो मेरे हाथ लग ही गए ना। ए संदीप, बाहर निकल और मेरे सामने आ जाओ। नहीं आया तो इस 2x2 का भेजा उड़ा दूंगा। आखिर वो बेचारा फंस ही गया। हमारा प्यार भूल गए भाई। तुम्हें जब भी चाइनीज खाना होता था मैंने कभी इनकार नहीं किया। चुप। संदीप, बाहर आ, जल्दी बाहर आ, इस परम शिवा से टकराएगा तू। आइए आइए आइए। डैडी डैडी डैडी, कौन है डैडी? पता नहीं किसने इतने जोर से मार दिया, भाई की तो याददाश्त ही चली गई। डैडी डैडी डैडी, मत आना मत आना। अरे जल्दी तो पकड़ो उसे, पीछे छोड़ दे। अरे डैडी, हाय, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। डैडी डैडी डैडी, यहाँ वहाँ डैडी, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। रिदम में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डैडी 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 डैडी।